Hello everyone, hope you all are doing good. So today I am here with the next mock test of CGPE for PSTET paper 1 and paper 2. So our first question is, thinking in childhood can be explained as an, ठीक है, कि जो thinking होती है जब हम बचपन में होते हैं, छोटे होते हैं, ठीक है, जो छोटे बच्चे हैं उनकी जो thinking है उसको हम क्या बोलेंगे, कैसे हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, कौन से वर्ड से। पहला, कोग्निटिव एक्टिविटी, बिल्कुल सही है। देखिए जी, कोग्निटिव क्या होता है, जब आपका माइंड वर्कआउट करता है, आप कोई चीज़ थिंक करते हो, रीज़न आउट करते हो, तो वो क्या होती है, आपकी थिंकिंग होती है, तो ये तो ठीक है। इमोशनल बिहेवियर, आपके इमोशन से रिलेटेड नहीं होती थिंकिंग कभी भी। सोशल प्रोसेस से रिलेटेड थिंकिंग कभी नहीं होती। आपकी साइकोमोटर मतलब फिजिकल स्किल से रिलेटेड कभी थिंकिंग होती नहीं है। थिंकिंग क्या होती है, हमेशा कोग्निटिव एक्टिविटीज से रिलेटेड थिंकिंग। जब आप कोई चीज़ थिंक करते हो, रीज़न आउट करते हो, रिमेंबर करते हो, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, आपकी कोग्निटिव एक्टिविटीज़ होती हैं, राइट। चाहे वो चाइल्डहुड हो, चाहे कुछ भी, कोई भी एज हो, जब थिंकिंग की बात आ जाए और वहाँ पे कोग्निटिव हो तो आंसर कोग्निटिव ही होगा, क्योंकि ये जेन प्याजे ने दिया था कोग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी। उन्होंने बोला था कि जो कोग्निटिव होता है, कोग्निटिव का मतलब होता है इंटेलेक्चुअल, कि कैसे वो पर्सन किसी चीज़ को रिमेम्बर करता है, थिंक करता है, रीजन आउट करता है, उसको हम कोग्निटिव बोलते हैं, राइट। सो ए ऑप्शन इज योर करेक्ट वन हियर। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, थिंकिंग प्रोसेसेस इन चिल्ड्रन आर नॉट बेस्ड ऑन, ये जो बच्चे की थिंकिंग प्रोसेसेस होती हैं ये किस चीज़ पे बेस्ड नहीं है। तो पहले देख लेते कौन से तीन ऑप्शंस ऐसे हैं जिस पे बच्चे की थिंकिंग बेस्ड होती है। इमेजिनेशन, बिल्कुल सही है, देखो बच्चा इमेजिन करेगा, कोई चीज़ देखेगा, ठीक है, उसको सोचेगा, ये तो थिंकिंग प्रोसेस में आ जाता है बच्चे की। एक्सपीरियंस करना भी बच्चे की थिंकिंग प्रोसेस में है, बच्चे का इंटरेस्ट भी, पर डिसीजन लेना ये बच्चों का काम थोड़ी है, ये तो अडल्ट्स का काम है। तो नॉट बेस्ड पूछा है, तो सही आंसर कौन सा होगा, सी ऑप्शन होगा, राइट। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन चिल्ड्रन बी टॉट टू सॉल्व ऑन देयर ओन द प्रॉब्लम्स दैट दे फेस इन एवरीडे लाइफ। जो बच्चे मतलब अपनी एवरीडे लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो कैसे फेस करेंगे, बच्चे को आप कैसे सिखा सकते हो कि जो प्रॉब्लम्स आपकी डेली लाइफ में चल रही हैं उसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो आप कैसे सिखाओगे। पहला, बाय मेकिंग देम स्किल्ड इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, आप उसको स्किलफुल बना लोगे कि ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, चलो बना भी दिया। सेकंड ऑप्शन, टीचर्स एंड पेरेंट्स में गिव देम नेसेसरी नॉलेज, बिल्कुल सही है, देखिए जी टीचर्स हों और पेरेंट्स हों, अपने बच्चे को प्रॉपर नॉलेज देंगे कि कैसे अपनी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करते हैं एवरीडे लाइफ से रिलेटेड, ठीक है। बाय मेकिंग देम मेंटली स्ट्रांग बनाने से डेली लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, नहीं जी, क्योंकि मेंटली स्ट्रांग पर्सन को भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो फिर भी फेस करनी पड़ती है। टीचर्स एंड पेरेंट्स मे लेट देम सॉल्व द प्रॉब्लम ऑन देयर ओन, बच्चों को बोल दो तुम खुद ही सॉल्व कर लो, हम कुछ नहीं करेंगे, बिल्कुल गलत बात है। तो बचे हमारे पास पहले दो ऑप्शन, और उनमें से सबसे बेस्ट क्या है कि जब पेरेंट्स और टीचर्स बच्चे को नेसेसरी नॉलेज देंगे कि अपनी प्रॉब्लम जितनी भी डेली लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उसको कैसे सॉल्व आउट करेंगे, तो बच्चा इजीली उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर जाएगा, ठीक है जी। सो बी ऑप्शन इज योर करेक्ट वन, कि मतलब बच्चे को गाइडेंस चाहिए प्रॉपर। नेक्स्ट, व्हाई इज डिडक्टिव रीजनिंग ऑल्सो कॉल्ड टॉप डाउन लॉजिक, एक होती है इंडक्टिव एक होता है डिडक्टिव। इंडक्टिव क्या होती है, जब हम पहले एग्जांपल्स देते हैं और फिर जनरलाइजेशन की तरफ आते हैं, राइट। डिडक्टिव क्या होता है, जब टीचर क्या पहले सारा समझा देता है और फिर एग्जांपल्स देना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो डिडक्टिव जो अप्रोच है मतलब जनरलाइजेशन टू एग्जाम्पल, उसको टॉप डाउन क्यों बोलते हैं, टॉप डाउन मतलब कि पहले जनरलाइज करवा दिया फिर एग्जाम्पल्स दी, ऊपर से नीचे आ रहे हो, ठीक है, उसको क्यों बोलते हैं ऐसा, क्योंकि ये बहुत सारे ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट होता है और जनरलाइजेशन पर बेस्ड होता है, नहीं जी ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट कहाँ होता है, यहाँ पे कौन से एग्जांपल्स दी जा रही हैं। सेकंड स्टेटमेंट, इट स्टार्ट विद जनरल स्टेटमेंट एंड एंड विद एग्जांपल्स, बिल्कुल सही है, जैसे मैंने अभी बोला जनरलाइजेशन से स्टार्ट होता है और एग्जांपल्स पे ख़त्म हो जाता है।
इट गोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम ऑफ चाइल्ड्स ब्रेन, बच्चे की ब्रेन में ऊपर से नीचे जाता है, इसलिए बिल्कुल गलत बात है, बी एंड सी तो होगा ही नहीं, तो बी ऑप्शन इज योर करेक्ट वन। ठीक है जी, कि वो क्या कहते हैं कि जो डिडक्टिव रीजनिंग होती है उसको टॉप डाउन इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो हमेशा जनरल स्टेटमेंट से एग्जाम्पल्स की तरफ मूव करते हैं। ठीक है जी, नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉ ऑफ लर्निंग किसने दी थी? तो लॉ ऑफ लर्निंग हम सबको पता है थॉर्नडाइक ने दी थी। ठीक है जी, तीन लॉस थे इनके अगर आपको याद हो, ठीक है, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ रेडीनेस एंड लॉ ऑफ एक्सरसाइज। ठीक है, एक था लॉ ऑफ इफेक्ट, एक था लॉ ऑफ रेडीनेस, एक था लॉ ऑफ एक्सरसाइज। ठीक है, एक्सरसाइज क्या होता है कि उस चीज़ को हमें प्रैक्टिस करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, रेडीनेस मतलब प्रैक्टिस करने से पहले बच्चा भी तो रेडी होना चाहिए पढ़ने के लिए। फिर आता है इफेक्ट कि उसका, अब बच्चे ने रेडी भी हो गया पढ़ने के लिए, अब बच्चे ने उसको एक्सरसाइज भी किया मतलब प्रैक्टिस भी किया, अब उसका इफेक्ट देखो कि बच्चे पर पॉजिटिव पड़ रहा है या नेगेटिव पड़ रहा है। बस ये तीन चीज़ों के बारे में थॉर्नडाइक ने बात की थी। लॉज ऑफ लर्निंग किसने दिए थे? थॉर्नडाइक ने दिए थे, राइट। सो सी ऑप्शन इज योर करेक्ट वन हियर। आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी जैसे मैंने आपको लॉ ऑफ एक्सरसाइज पढ़ाया, इफेक्ट पढ़ाया, रेडीनेस बताया क्या होता है, तो अभी वैसे ये क्वेश्चन है कि जो लॉ ऑफ एक्सरसाइज होती है बच्चों की लर्निंग से रिलेटेड, इसका मतलब क्या होता है? पहला, लर्निंग टेक्स प्लेस व्हेन डिससेटिस्फाइंग रिस्पॉन्सेज आर एलिमिनेटेड। सिर्फ लर्निंग तब होती है जब कोई चीज़ बच्चे को सेटिस्फाई नहीं कर रही तो उसको एलिमिनेट ही कर दो। मतलब अगर कोई कंसेप्ट है, मैं बच्चे को समझा रही हूँ, उसको समझ नहीं आ रहा, तो मैंने क्या किया, वो कंसेप्ट ही कट आउट कर दिया। ऐसा थोड़ी होता है। लर्निंग टेक प्लेस व्हेन द चाइल्ड इज इंटरेस्टेड इन, देखो इंटरेस्ट की बात आ गई यहाँ पे, होता है रेडीनेस कि बच्चा रेडी है पढ़ने के लिए, बच्चा इंटरेस्टेड है, तो ये तो रेडीनेस है ना, लॉ ऑफ रेडीनेस है, एक्सरसाइज नहीं है। प्रैक्टिस लीडिंग टू सेटिस्फैक्शन इम्प्रूव्स लर्निंग, ठीक है, कि जब बच्चे को सेटिस्फाई हो जाएगा प्रॉपर प्रैक्टिस करेगा, ठीक है, लीडिंग टू सेटिस्फैक्शन, उससे उसकी इम्प्रूव होगी लर्निंग, या प्रैक्टिस इंक्रीजेस द परमानेंसी ऑफ लर्निंग। तो लॉ ऑफ एक्सरसाइज क्या कहती है, जितना बच्चा प्रैक्टिस करेगा उस चीज़ को उतना ज़्यादा वो लर्न करेगा। तो डी ऑप्शन तो सीधा सीधा दे रखा है कि प्रैक्टिस इंक्रीज करेगा परमानेंसी ऑफ लर्निंग, कि आपके माइंड में वो चीज़ बहुत टाइम तक रहेगी जब आप उसको प्रैक्टिस करोगे बार बार। ठीक है, सो डी ऑप्शन इज योर करेक्ट वन हियर। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। नाउ कम्स टू नेक्स्ट क्वेश्चन, चिल्ड्रन मे फेल इन स्कूल ड्यू टू, जो बच्चे होते हैं स्कूल में क्यों फेल हो जाते हैं, कई बार उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाते, क्यों? क्योंकि इनफेक्टिव टीचिंग मेथड्स होते हैं। बिल्कुल सही है, कई बार टीचर अच्छा सही से मेथड नहीं यूज़ कर पाता, उस वजह से भी बच्चे फेल हो जाते हैं। सेकंड, बुलिंग बाय पीयर्स, ये भी हो सकता है कि आपके जो क्लासमेट्स हैं आपको बुली कर रहे हैं, आपके टांग खींच रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बोल के आपको अपसेट कर रहे हैं। नेक्स्ट, नॉट अंडरस्टैंडिंग द क्लासरूम एनवायरनमेंट, बिल्कुल सही है, कई बार बच्चे को ऐसे एनवायरनमेंट दिया जाता है कि वो एडजस्ट नहीं कर पाता, तो वहाँ पे भी क्या है, कई बार वो फेल हो जाता है इसी कारण। ठीक है, सो ऑल ऑफ द अबव इज योर करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन इज योर करेक्ट वन हियर। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लर्निंग इज करेक्ट, लर्निंग को लेकर कौन सी चीज़ बिल्कुल सही है? पहला, लर्निंग इज equivalent to acquisition of skills, कि जो learning है और skills को acquire करना है दोनों बराबर चीज़ें हैं? नहीं जी, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि learning क्या होती है, learning तो life long है, पर एक skill को acquire करना ये आपकी life long नहीं है, ये कोई आप skill सीख रहे हो तो उसको learning नहीं बोलोगे आप। learning तो होती है जो from the very birth continue up to your death, ठीक है। स्किल्स आप सीखते थोड़ा रहोगे, मतलब ऐसा कोई एक स्किल सीख ली उसके बाद कोई दूसरी सीख लोगे, ठीक है। नेक्स्ट, मतलब ये बराबर नहीं होती। सेकंड, लर्निंग इज फैसिलिटेटेड बाय सोशल एक्शंस, बिल्कुल सही है, देखिए जी आप सोसाइटी में जाओगे, एक्टिविटीज़ करोगे, पार्टिसिपेट करोगे, तभी तो लर्निंग होगी, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, लर्निंग इज पैसिव प्रोसेस, नहीं, लर्निंग तो एक्टिव प्रोसेस होता है ना, यहाँ पे जो पर्सन है वो एक्टिव होता है, पैसिव नहीं होता। नेक्स्ट, लर्निंग डोंट डिपेंड ऑन प्रीवियस नॉलेज, अरे प्रीवियस नॉलेज पे ही तो आपकी अगली लर्निंग डिपेंड करती है, ठीक है। अगर आपको पहले एक्सपीरियंस ही नहीं होगा किसी चीज़ का, तो आगे जाके आप क्या लर्न करोगे,
ठीक है. सो बी ऑप्शन इज योर करेक्ट वन हियर, कि आप सोशल एक्शंस के द्वारा मतलब सोसाइटी में जाके लोगों से इंटरैक्ट करके बातचीत करके ही चीज़ें सीखते हो, ठीक है, लर्न करते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन, मीनिंगफुल लर्निंग इज, अभी लर्निंग तो पता लग गया क्या होता है, अब मीनिंगफुल लर्निंग किसको कहेंगे, कि मतलब हमने बेस्ट चीज़ लर्न की है, मीनिंगफुल क्या होता है. इमिटेशन ऑफ एडल्ट्स एंड मोर एबल पीयर्स, मतलब मीनिंगफुल लर्निंग उसको बोलते हैं जब आप किसी दूसरे की नकल करते हो, बिल्कुल गलत है. पेयरिंग एंड एसोसिएटिंग बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, चलो ठीक है जी. पैसिव रिसीविंग, पैसिव तो नहीं होगा, एक्टिव होता तो बिल्कुल सही था. एक्टिव क्रिएशन ऑफ नॉलेज स्ट्रक्चर्स फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंसेस, ये ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है, कि जब आप नॉलेज गेन करते हो अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से, तभी हम बोलेंगे कि लर्निंग क्या है, मीनिंगफुल है, ठीक है. मतलब जब आप कोई पर्सनल एक्सपीरियंस किसी चीज़ का करते हो, ठीक है, कोई चीज़ आपने कभी पहले नहीं की बट एकदम से आपने वो पर्सनली खुद एक्सपीरियंस किया, तो आप वो चीज़ बहुत अच्छे से सीख जाओगे, ठीक है. आपको मतलब ऐसा पता, आपकी मम्मी ने कोई डिश बनाई बहुत अच्छी बनाई, बट जब आप खुद उसको बना के देखोगे और सबसे बेस्ट करोगे ना, उसको बोलेंगे हम आपने मीनिंगफुल लर्निंग की है, कि आपने भी वो चीज़ पर्सनली एक्सपीरियंस करके खुद बना के जब देखी तो वो भी क्या है, बहुत अच्छी बनी, ठीक है. सो डी ऑप्शन इज योर करेक्ट वन हियर. नाउ कम्स टू अ लास्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सेंट्रल टू लर्निंग, ठीक है. लर्निंग का सेंटर कौन सा है, मतलब मेन आप लर्निंग करते हो या लर्निंग करवाते हो एज अ टीचर, तो आप कौन सी चीज़ दिमाग में रखते हो. पहला कंडीशनिंग, नहीं जी. अगला रॉट मेमोराइजेशन, रट्टा मारना, नहीं जी. इमिटेशन, नकल करना, बिल्कुल नहीं. मीनिंग मेकिंग, बिल्कुल सही है. कोई भी आप चीज़ करवाते हो बच्चों को, तो आप हमेशा यही चाहोगे कि उसका कोई मीनिंग हो, ठीक है. मीनिंगफुल लर्निंग करवाओ, तो लर्निंग कैसी होनी चाहिए, हमेशा मीनिंग मेकिंग होगी, फालतू की लर्निंग नहीं होगी, ठीक है. कोई मीनिंगफुल लर्निंग आप करवाओगे, सबसे अच्छी लर्निंग होती है, ठीक है. सो डी ऑप्शन इज योर करेक्ट वन हियर, ठीक है जी. सो दीज आर आवर टुडेज क्वेश्चंस. आई होप आज की वीडियो आपकी यूजफुल लगी हो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू वेरी मच.